हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं जूनियर, आप देख रहे हो मोटर्स पे इंडिया। सो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ, सिर्फ रिव्यू नहीं, डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ जीप मेरिडियन के ऊपर। सो यार लेट्स स्टार्ट इट। बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। या सो लेट्स स्टार्ट इट। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। जीप मेरिडियन का फ्रंट दिखाया जाए तो ऐसा कुछ दिखता है। आप इधर नोटिस कर पा रहे होंगे कि बहुत काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज है इसके बिग ब्रदर के साथ। या आप पहचान गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो ग्रैंड चेरोकी के साथ। सो जो हेडलाइंस है वो बहुत स्लीक है समहाउ, और इधर लिखा भी हुआ है जीप परफॉर्मेंस LED। या सो थ्रो बहुत ही क्लासी है समहाउ। और इधर आप देख पा रहे होंगे DRLs के साथ ही साथ इंडिकेटर्स भी टर्नड अप हो रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग आई वुड से। सो ग्रिल है सच बहुत ही मैसिव है, ग्रिल। और जो टिपिकल जीप वाला जो ग्रिल है वही इधर मेंटेन किया गया है। आप इधर देख पा रहे होंगे 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी है इसके अंदर। जीप का लोगो राइट ओवर हियर, और समहाउ क्रोम का ज़्यादा अच्छे से यूसेज किया गया है। और जो टेक्सचर है लाइट्स के अंदर वो भी बहुत ही अच्छा है समहाउ। नीचे फॉग लैंप देख पा रहे होंगे, और वो भी आपको LED में ही मिलते हैं, विच इज़ ग्रेट थिंग आई वुड से। सो बम्पर में भी आपको क्रोम का गार्निशिंग देखने के लिए मिल सकता है, एंड नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल सकता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग आई वुड से। सो फ्रंट है सच बहुत ही बोल्ड है और बहुत माचो लगता है, मस्कुलर है ये गाड़ी फॉर श्योर। फ्रंट टोइंग हुक राइट ओवर हियर, सो साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो गाड़ी ऐसी कुछ दिखती है। बहुत ही अच्छा लगता है, जीप से कंपेयर करें तो बहुत ही बड़ा है ये गाड़ी। मेरिडियन रिटर्न ओवर हियर, ब्रांडिंग दे दिया गया है। एंड टायर साइज़ की बात किया जाए तो इधर आपको मिलता है 235/55 R18 inch के टायर्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इसके अंदर। एंड एलॉयज बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किए गए, बहुत अच्छा डिज़ाइन है समाओ। और इधर जीप का लोगो देखने के लिए मिल सकता है। सो ऑफकोर्स फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, रेयर में भी डिस्क ब्रेक्स आपको देखने के लिए मिल सकता है। सस्पेंशन राइट ओवर हियर, सो ऊपर के साइड पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया। और इन दिस पर्टिकुलर कार इसमें आपको रूफ रेल्स देखने के लिए मिल सकता है, जो गाड़ी को और भी ज़्यादा एडवेंचरस बना देता है। लिटरली बहुत अच्छा लगता है इसके साथ, इट्स लिटरली सूट्स द कार। रिक्वेस्ट सेंसर्स राइट ओवर हियर, एंड आपको साइड में फुट स्टेप भी देखने के लिए मिल सकता है जिसमें जीप का ब्रांडिंग है। तो बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया गया एक एक चीज़, जैसे आप फ्यूल भरोगे। सो या एड ब्लू। सो बैक प्रोफाइल देखा जाए तो ऐसा कुछ दिखता है, आई थिंक इसे ज़्यादा सुंदर है पीछे से फॉर श्योर। टेल लैंप्स बहुत ही स्लीक है, फुल LED यूनिट आपको इधर देखने के लिए मिल सकता है। और जीप का ब्रांडिंग रिटर्न हो या क्रोम लाइनिंग दे दिया गया है, और वो एक्सटेंड होता है टू द अनदर साइड ऑल्सो। इधर तक एक्सटेंड होता है वो जो क्रोम बार है। और जीप का ब्रांडिंग राइट ओवर हियर, थिक क्रोम के साथ। और नीचे आप सेंसर्स देख पा रहे होंगे, ऑफकोर्स पीछे कैमरा होगा ही होगा। रेगुलर बिट्स आपको इधर मिलते ही हैं, जैसे डिफॉगर है, आपको इधर रियर वाइपर्स देखने को मिल सकता है, हैंड स्टॉप लैम्प राइट ओवर हियर, शार्क फिन एंटीना। सो लेट्स ओपन द बूट राइट अवे विद अ वन टच। आप इसको ओपन कर सकते हो, एंड ऐसा कुछ दिखता है जब थर्ड रो सीट्स फोल्ड होते हैं तो आपको इतना सारा स्पेस देखने के लिए मिल सकता है, विच इज़ मैसिव आई वुड से। और इसको एक्सेस करना भी ईजी है, मैं जस्ट मेरे एक उंगली के साथ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, सो आप समझ सकते हो कि एक्सेस करना कितना ईजी है। अगर सारे रो अप होते हैं फिर भी आपके पास डिसेंट स्पेस आपके लिए बच जाता है, जिसमें आप टू स्मॉल साइज बैग्स आप आसानी से रख सकते हो ऑफकोर्स। और इसके नीचे देखा जाए तो आपको जैक मिल जाता है। और इधर थोड़ा सा स्पेस राइट ओवर हियर। इधर आपको लाइट देखने के लिए मिल सकता है बोथ द साइड्स। रोशनी होगा। ये बटन से आप बूट क्लोज कर सकते हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लाइक दिस, सो बहुत ही यूजफुल टच है ये एक्चुअल में देखा जाए तो, बड़े प्यार से।
सो इस गाड़ी का खास बात यह है कि इसका रोड प्रेजेंस, आई थिंक सो फॉर्चून से ज़्यादा रहने वाली है फॉर श्योर मेरे हिसाब से। क्या बोला तूने? ये एक्चुअल में 4x2 और 4x4 वाले वेरिएंट्स में भी अवेलेबल है। सो या और साथ ही साथ इतना मैसिव कार जो समहाउ साइज करता है अराउंड 2.8 meters का, या तो ऑलमोस्ट फॉर्चुनर से कम्पीट कर रही है। और इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी दिस प्राइस 10 lakhs लेस देन द फॉर्चुनर। सो आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार इन द सेगमेंट। यस, इन दिस सेगमेंट बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है, एक एक चीज़ क्वालिटी इज टॉप नॉच आई वुड से। वाओ, इट्स अमेजिंग। सो यार लेट्स गो टू द रियर सीट्स और देखते हैं कि क्या क्या मिल जाता है आपको। सो क्वालिटी देखा जाए ना, जो उसके हैवीनेस है उससे पता चलता है कि इट्स अमेजिंग। यस, सो अंदर देखा जाए तो ऐसा कुछ दिखता है इंटीरियर, कॉफ़ी ब्राउन यूज़ किया गया है। यस, और पीछे परफोरेटेड सीट्स आपको देखने के लिए मिल सकता है विथ ब्राउन स्टिचेस राइट ओवर हियर। यस, सो बहुत ही सुंदर दिखता है सच। सो अंदर चढ़ना और उतरना बहुत ईजी है सच फुट स्टेप के वजह से। यस, सो लेट्स क्लोज इट, क्लोज विद द प्रॉपर थर्ड आई वुड से। यस, सो आपको एक खास चीज़ बताओ, आपको पीछे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो एसेसरीज में आप डलवा सकते हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। वाओ, अमेजिंग लिटरली। सो यार पीछे से देखा जाए तो ऐसा सच मेरे पास लेग रूम काफ़ी है और इधर आपको मैगजीन होल्डर देखने के लिए मिल सकता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग यार। सो पीछे आपको ऑफकोर्स एसी वेंट्स देखने के लिए मिल सकता है जिसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो फ्रॉम राइट ओवर हियर। यस, सो इधर आपको ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ आप इधर अपना फ़ोन भी रख सकते हो। और आर्मरेस्ट बहुत अच्छा प्लेसमेंट है इसका, आर्मरेस्ट का दो एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने के लिए मिल सकता है और एक फिक्स्ड हेडरेस्ट देखने के लिए मिल सकता है। थर्ड रो दिखाया जाए तो ऐसे ज़्यादा स्पेस है नहीं, आई थिंक सो लेग रूम टाइट होने वाला है और अंडर थाई सपोर्ट लैकिंग होने वाला है आई थिंक सो। मैं उधर जाने वाला नहीं हूँ, एक्सेस अभी नहीं कर रहा, बट या डैशबोर्ड अमेजिंग लग रहा है लिटरली, आप देख ही सकते हो, डैशबोर्ड इज अमेजिंग फैबुलस। यस, सो बहुत ही अच्छा टेक्सचर यूज़ किया गया हर जगह। इधर आपको USB का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है और साइड में डोर साइड में देखा जाए तो इधर आपको क्रोम हैंडल्स देखने के लिए मिल सकता है। यस, और पावर विंडो के कंट्रोल, 1 liter बॉटल आप इधर आराम से रख सकते हो बेसिकली। ट्विटर्स पीछे भी आपको प्लेसमेंट दे दिया गया है उसका, और नीचे स्पीकर आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ एसेसरीज, ये जो नेट आप देख पा रहे होंगे, ब्लाइंड्स। यस, ये एसेसरीज के पैकेज में आप लगवा सकते हो उसके अंदर प्राइवेसी के लिए, सो कॉल्ड प्राइवेसी। बात तो सही है। और हेडरूम भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है पीछे कंपैरेटिवली। बताना चाहता हूँ कि पीछे पैनोरामिक सनरूफ है, उसके बाद भी आपको सफिशिएंट हेडरूम देखने के लिए मिल सकता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और ऊपर के साइड देखा जाए तो आपको एक लैम्प मिल जाता है, रीडिंग लैम्प, एंड सेम एज द केस देयर आपको लैम्प देखने के लिए मिल सकता है जो आप ऐसे कुछ ऑफ करोगे। यस, विद अ प्रेस। सो यार लेट्स गो टू द फ्रंट सीट्स एंड एक्सप्लोर देम। सो यार लेट्स क्लोज इट, क्लोज विद अ प्रॉपर थर्ड फ्रंट। ते आप नोटिस करोगे कि इधर आपको पावर विंडोज के कंट्रोल देखने के लिए मिल सकता है, लॉक अनलॉक का बटन, चाइल्ड लॉक फॉर द विंडोज राइट ओवर हियर, एंड ये आपके ORVMs के कंट्रोल्स हैं। यस, सो इधर आपको फ्रंट टू डोर्स में आपको ऑटो अप डाउन का फीचर देखने के लिए मिल सकता है पावर विंडो में। यस, सो लेट्स गेट इन एंड लेट्स क्लोज इट। और बाय द वे या आपको दो मेमोरी सेटिंग्स देखने के लिए मिल सकता है पीछे। यस, सो आते ही आप नोटिस करोगे बहुत ही प्रीमियम कैबिन है इसका, बहुत ही प्रीमियम कैबिन है। अगर इसको मार्क्स देने हो, जो मुझे खराब आते थे जो, बट मैं इसको दूंगा आउट ऑफ 10, मैं इसको 9 दे दूंगा आराम से, बिकॉज बहुत ही अच्छा क्वालिटी है यार, बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया, एक एक चीज़ को, एक एक अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। और आप देख ही पा रहे होंगे
बहुत रोबस्ट लगता है यार। इधर आपको सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है, ऊपर आपको सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है, हाँ नीचे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, बट या इट्स वे बेटर देन फॉर्च्यूनर। टू बी फ्रैंक, इट इज़ वे बेटर देन फॉर्च्यूनर। इसके जो क्वालिटी वाइज है वो भी अच्छे हैं आई थिंक सो, मेरे हिसाब से। सो इट्स अ ग्रेट पैकेज आई वुड से। सो मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, जिसमें आप लंबा सपोर्ट भी कर सकते हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग आई वुड से। यस सो लेट्स गेट इन। और ये सेम सीट्स एडजस्टमेंट आपको को पैसेंजर साइड भी देखने के लिए मिल सकता है इन दिस प्राइस पॉइंट। ये हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ऑफकोर्स। यस सो डैशबोर्ड दिखा जाए तो आपको मैंने जैसे बताया था इधर सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया जो ब्राउन है, कॉफ़ी ब्राउन, और साथ ही साथ इधर आप स्टिचिंग देख पा रहे होंगे, यस ब्राउन कलर का। और उसके ठीक नीचे पियानो ब्लैक फिनिश का एक एलिमेंट यूज़ किया गया जो बहुत ही सुंदर है, उसके ऊपर थोड़ा तो सिल्वर फिनिश यूज़ किया गया है। सो एसी वेंट्स बहुत ही अलग तरीके से इंटीग्रेट किए गए, ऐसे दिखते नहीं हैं बट या हिडन है समाउ, ये आप देख पा रहे होंगे। यस इंफोटेनमेंट सिस्टम के ठीक नीचे आपको एसी वेंट देखने के लिए मिल सकता है, बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट किया गया समाउ। और उसके जस्ट नीचे आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल सकता है, विच इज अ ग्रेट फीचर वंस अगेन। या सो वायरलेस चार्जर राइट ओवर हियर आपको देखने के लिए मिल सकता है, यूएसबी एंड ऑक्स का भी ऑप्शन आपको इधर दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक राइट ओवर हियर, एंड दिस इज द 9-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। हाँ ये मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आता है जो है 6-speed, बट 9-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज अमेजिंग आई वुड से। और इसका रिवर्स पार्किंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऐसा कुछ दिखता है। यस सो एडेप्टिव गाइडलाइंस आपको देखने के लिए मिल सकता है, और बहुत ही अच्छा सा ओवरऑल व्यू देखने के लिए भी मिल सकता है। इधर 360-degree पार्किंग कैमरा आपको दे दिया गया, अवेलेबल करवा दिया गया है, एंड विच इज़ अ ग्रेट थिंग आई वुड से। यस सो तो स्टेयरिंग व्हील दिखाया जाता है, ऐसा कुछ दिखता है। सो इस साइड दिखाया जाए तो आपको कॉल्स के कंट्रोल देखने के मिल सकते हैं, कॉल उठाना हो डिक्लाइन करना हो आप इधर से कर सकते हो, और इधर से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्राउज कर सकते हो लाइक दिस, एवरेज क्या दे रहा है गाड़ी, टेम्परेचर क्या है, ऑयल टेम्परेचर क्या है, बैटरी वोल्टेज क्या है अभी, ऑल इन्फॉर्मेशन आपको इधर दे दिया जाता है। और ये आपका जो किलोमीटर पर आवर है वो डिजिटली दिखाएगा, डिजिटली क्या ये पूरा डिजिटल ही है एक्चुअल में देखा जाए तो। सो बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेटिव है एक्चुअली देखा जाए तो। प्रेस ओके टू एंटर द व्हीकल सेटिंग, ये व्हीकल सेटिंग्स एक्चुअली स्पीड वार्निंग, हिल स्टार्ट असिस्ट, पैसेंजर बैग आपको ऑन करना ऑफ करना तो आप इधर से कर सकते हो, स्पीड वार्निंग, हिल स्टार्ट असिस्ट। सो या इट्स अ डिसेंट यूनिट आई वुड से। यस सो इधर से आप कौन सा गाना बजा रहे हो वो आप इधर से देख पाओगे। सो या इट्स अ ग्रेट कार आई वुड से। सो इधर से आप हैजर्ड लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो बेसिकली, ये आपके पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करना हो तो आप इधर से कर सकते हो, ये आपके पैसेंजर बैग ऑन है या ऑफ है वो आप इधर से देख पाओगे। यस दिस द ऑटो स्टार्ट स्टॉप का, अगर आपको ऑफ करना हो या ऑन करना हो वो आप इधर से कॉन्फिगर कर सकते हो। दिस इज द ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, इधर से आप प्रेस करोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ होगा, वापस प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएगा। यस और नीचे के साइड देखा जाए तो आपको ट्विन कप होल्डर्स देखने को मिल सकते हैं, और इधर आप अपना की हैंग कर सकते हो बेसिकली। यस प्रॉपर की स्लॉट हो जाता है इधर, ये आप अपना मोबाइल इधर रख सकते हो। यस बहुत सारे डमी बटन्स का लोकेशन आपको इधर प्रोवाइड कर दिया गया है एक्चुअल में। हैंडरेस्ट के नीचे थोड़ा सा आपको स्पेस देखने के लिए मिल सकता है। यस और ये आर्मरेस्ट स्लाइडिंग है। यस सो ग्लव बॉक्स देखा जाए तो डिसेंट सा आपको ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल सकता है जो डीप है एक्चुअली, क्या लाइट भी अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे आप इंजन स्टार्ट करोगे और बहुत अच्छे प्लेसमेंट है समहाउ। यस दिस योर वाइपर कंट्रोल्स, ये आपके इंडिकेटर्स के कंट्रोल है, पास बाय आपको इधर से ही करना पड़ेगा। हेडलाइट्स के कंट्रोल प्रॉपर अमेरिकन स्टाइलिंग में दिया गया है जो इधर आपको देखने के लिए मिल सकता है। यस दिस द हेडलाइट लेवलर राइट ओवर हियर, एंड आप उसके साइड में ही आप देख पा रहे होंगे जो इंटेंसिटी आपको बढ़ाना हो घटाना हो आप इधर से कर सकते हो। कैबिन का ऑफ कोर्स। यस सो इंफोटेनमेंट सिस्टम देखा जाए तो बहुत ही स्लीक है,
बहुत अच्छे से काम करती है somehow. मैप्स भी बहुत अच्छे क्रिस्प है एक्चुअली, और इन द डे लाइट बहुत अच्छा व्यू दे देता है. ऑफकोर्स व्हीकल में देखा जाए तो रेयर व्यू सराउंड कैमरा आप देख पाओगे. एप्स इसके अंदर लोडेड है. यस FM रेडियो चला के देखते हैं. लेट्स प्ले एन ऑडियो राइट अवे. सो ऑडियो क्वालिटी इज अमेजिंग. इसके अंदर आपको मिल जाता है एल्पाइन का सराउंड सिस्टम्स जो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं somehow. यस सो हैज आई सेड बहुत ही स्लीक यूनिट है. आप इधर से एसी भी कंट्रोल कर सकते हो. यस आपको मैनुअल कंट्रोल्स भी आपके पास और इंस्ट्रूमेंट सिस्टम से भी आप कंट्रोल कर सकते हो विच इज़ अमेजिंग आई वुड से. सो फोन में देखा जाए तो आप कनेक्टिविटी का जो भी है वो आप देख पा रहे होंगे इधर. ऐप्स में देखा जाए तो फ़ोन कंफर्ट व्हीकल सिस्टम में देखा जाए तो ड्राइवर प्रोफाइल सॉफ्टवेयर अपडेट्स. सेटिंग्स में देखा जाए तो बहुत सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिल सकता है. ड्राइवर डिस्प्ले थीम यूनिट्स टच पीप. यस सो टन ऑफ फीचर्स इसके अंदर बेसिकली मैं कहना चाहूँगा और बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है. और द सरप्राइज इज दिस द मैसिव पैनोरामिक सनरूफ जो बहुत ही बड़ा है. सच आप देख ही पा रहे होंगे इट्स ह्यूज. इट्स लिटरली ह्यूज. सो इतना तक एक्सटेंड होता है और बहुत ही मैसिव है सच. और साथ ही साथ आपको कैबिन लैंप देखने को मिल सकता है जो येलो लाइट है बेसिकली. और वैनिटी मिरर राइट ओवर हियर जिसमें आपको लाइट देखने के लिए मिल सकता है. यस एंड सेम एज द केस हियर इधर भी आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल सकता है. ओके देन लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग. सो आई एम हियर टू एक्सपीरियंस द ऑल न्यू जीप मेरिडियन. एंड अभी तक आपने देखा था कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिस मैनुअल ट्रांसमिशन. यस द 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन. सो राइड क्वालिटी देखा है तो बहुत ही ब्रिलियंट है सच. पॉट होल्स बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है somehow. या और हाई रोड प्रेजेंस इज एब्सोल्युटली देयर. जो स्टेबिलिटी है अराउंड 70 के स्पीड में चल रहा है और स्टेबिलिटी है बहुत ही अच्छा है somehow. बहुत काम एंड कंपोज राइड है. यस सो फॉर मी सिटी राइड तो बेस्ट होगा ही होगा. साथ ही साथ हाईवे के लिए भी ये गाड़ी बेस्ट होने वाला है फॉर श्योर. दिस कार कम्स विद अ 2-liter डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 170 हॉर्स पावर एंड 350 Nm ऑफ टॉर्क. इट्स अ ग्रेट फिगर आई वुड से. और फ्यूल इकोनॉमी जो बोल सकते हैं वो अराउंड आपको मिल जाता है 14-16 एज पर द क्लेम. यस सो या इट्स अ ग्रेट फिगर्स आई वुड से. ये प्राइस पॉइंट में ये सेगमेंट में अच्छे फिगर्स हैं एंड डिसेंट पावर ट्रेन भी आपको देखने को मिल सकता है. ऐसे मैं बताना चाहूँगा कि जो SUV है उसमें बॉडी रोल होता है बट आई थिंक इन दिस मेरिडियन बॉडी रोल मिनिमल है somehow. यस सो क्या रोड से चिपक के चलती है. और द पावर ट्रेन इज अमेजिंग. द पुल इज इट्स इनसेन. किक इन द पैंट फील आने ही वाला है ऑफकोर्स. सस्पेंशन इज सॉफ्ट एंड लिटरली As I said, potholes आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है ऑफकोर्स. और सो काइंड ऑफ रोडिंग पैच पर जा रहे हैं अपने. लेट्स सी हाउ दिस कार परफॉर्म्स. सो ये एक्चुअल में देखा है तो इधर ऐसा रोड है ही नहीं एंड लेट्स सी. सो मेरे हिसाब से अभी तक The ride quality is amazing. Pumps, पता ही नहीं चल रहा कि of course है कि नहीं. और या it's great off-roader, I would say. Compare करना चाहूँगा I think so. Fortuner से मुझे ये गाड़ी ज़्यादा अच्छा लगा है. To be frank, मेरे हिसाब से as per the price के perspective से देखा जाए तो भी काइंड ऑफ ये गाड़ी ज़्यादा अच्छा है. वैल्यू फॉर मनी है ऑफकोर्स. इतने टन्स ऑफ फीचर्स दे दिया जाता है. राइड क्वालिटी इज़ अमेजिंग. पावर ट्रेन इज अमेजिंग. और ऑफ रोडिंग आप इसके अंदर कर सकते हो. सो या
This was my in-depth review on the Jeep Meridian. Yes.